हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टामी टूल विद एंटरटेनमेंट। आज हम बनाएंगे नॉर्थ इंडिया की स्पेशलिटी कड़ी पकौड़ा, जो राइस के साथ खाया जाता है, राइस के साथ सर्व किया जाता है। अब ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कड़ी एक ऐसी डिश है जो अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। हम आज इसे बनाएंगे एकदम पंजाबी स्टाइल में। आप कड़ी को जब सर्व करें तो उसके 10 मिनट बाद इसमें पकोड़े ऐड कीजिएगा। गरम गरम कड़ी में अगर आप पकोड़े ऐड कर देंगे तो पकोड़े सब कड़ी का रस अपने अंदर ले लेंगे और कड़ी एकदम गाढ़ी आटे जैसी हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स इसे बनाना शुरू करते हैं। हम लेंगे 1 कप दही कर्ड, ये मैंने बड़ा कप लिया है, तो आप नॉर्मल जो स्मॉल कप है मींस 1.5 कप समझ लीजिए दही मैंने लिया है। 4 टेबल स्पून ऑफ बेसन बड़ा, आप जानते हैं कड़ी दही और बेसन इसी से बनती है, और पानी यहाँ हमने लिया है 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर पेस्ट। हिंग हम लेंगे 1/2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्ची स्वाद अनुसार अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। प्याज ले लेंगे 1 मीडियम साइज़ का, ना ज़्यादा मोटा ना बारीक, कुछ इस तरीके से आप काट लीजिए। जीरा पाउडर 1 टीस्पून। कोरिएंडर के जो सीड्स होते हैं उनको हल्का सा हमने बस क्रश कर लिया है, और ये हम लेंगे 1/2 टीस्पून। जीरा और राई ये हम लेंगे 1/1 टीस्पून, और लास्ट हम लेंगे ऑयल। आइए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को सबसे पहले हम गरम करने के लिए रख देंगे। जब तक कढ़ाई गरम हो रही है हमने गैस मीडियम पे रखी है। हम यहाँ पे डालेंगे हमारा जो दही हमने लिया था, उसे आप एक बड़े से बाउल में या एक जग में ट्रांसफ़र कर लीजिए। हमने जो यहाँ पे बेसन लिया है उसे हम धीरे धीरे हमारे दही में ऐड कर देंगे। ये हमने 4 टेबल स्पून लेना है। ज़्यादा बेसन डालेंगे तो ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। बस नेक्स्ट इसी में अब हम हमारा 1/2 टेबल स्पून जो हमने हल्दी डालना है वो इसी में हम डाल देंगे। 1/2 से 1 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। लाल मिर्ची पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, वो भी हम इस बेसन में ही डाल देंगे। जीरा पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें हम ढेर सारा पानी डाल के इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे, या मधानी होगी आपके पास तो उससे हिला लेंगे। ये देखिए मधानी, इसे हमें अच्छे से हिला के मिक्स करना है, एक स्मूथ पेस्ट फॉर्म करना है। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए बेसन के। ये देखिए हमारे लिटिल शेफ, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू विस्क, टू मिक्स एंड टू लर्न न्यू न्यू things. Hi, what are we making? Oli baba le. Kadi pakoda. Hey, then we need it and so long and experiment and that uncle. Oli baba. You know whatever he makes it, he eats it, he becomes strong. ये देखिए हमने इसे अच्छे से whisk कर लिया है, और हमें कुछ इस तरीके से पतली consistency चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा मत रखिएगा नहीं तो बेसन के लम्प्स बन जाएंगे। अब कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे थ्री टेबल स्पून ऑफ ऑयल।
तेल गरम हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ऑफ हिंग, जीरा और राई 1 1 टीस्पून, 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून आप कूटा हुआ धनिया जो आपने मोटा मोटा कूटा है वो डाल लीजिए, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट जिंजर पेस्ट, और इसे अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इसमें हमारे कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और इनको हल्का सा सौते होने देंगे। हमारे प्याज अच्छे से सौते हो चुके हैं, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा कच्चा रखना है। अब हमने ये जो बेसन दही और मसालों का और पानी का बैटर बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हम ऊपर से भी इसे अलग से तड़का लगाएंगे ताकि इसका और अच्छा फ्लेवर आए। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे अराउंड 30 मिनट्स के लिए कढ़ने के लिए रख देंगे। ध्यान दीजिए, कढ़ी कढ़ने से ही बनती है, जितनी कढ़ेगी उतना ज़्यादा स्वाद देगी। नाउ यू कैन ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सॉल्ट डाल के इसे अच्छे से हिला लीजिए, मिक्स इट। अब हाफ एन आवर के लिए जब आप कढ़ी मीडियम फ्लेम पे गैस पे छोड़ेंगे रखेंगे तो इसे बीच बीच में आप स्टर करते जाइएगा, वरना बेसन के लम्स बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए, हाफ एन आवर है, तब तक हम राइस बनाते हैं, पकौड़े भी बनाते हैं। अब कढ़ी बन रही है तो पकौड़े तो बनने ही चाहिए, बिना पकौड़ों के कढ़ी पकौड़ा आप इसे कैसे कहेंगे। तो आइए पकौड़ों के इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। एक बड़ा प्याज, हाफ टी स्पून ऑफ जिंजर पाउडर या आप जिंजर पेस्ट भी ले सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, यहाँ मैंने 2 हरी मिर्ची चॉप करके ले ली है, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो और डाल लीजिए, नहीं तो आप कम भी डाल सकते हैं, बेसन, और यहाँ पे हम डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा। अब बेसन को हम इसमें मिला लेंगे अच्छे से, हमने इसमें 1 कप बेसन डाला है। हमें सिर्फ प्याज प्याज नहीं रखना है कढ़ी में, बेसन थोड़ा सा प्याज से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें हम पानी डाल के इसका पकौड़ों का बैटर बना लेंगे। हमारा पकौड़ों का बैटर यहाँ रेडी है। 1 कप बेसन, मतलब इतना बड़ा कप आपको नहीं लेना है, नॉर्मल सा एक छोटा सा कप आपको लेना है जो प्याज पे एक अच्छी सी कोटिंग दे दे। अब आप बेसन अगर ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं कढ़ी पकौड़े में, कढ़ी पकौड़े के पकौड़ों में, तो आप ज़्यादा बेसन डाल सकते हैं, वरना आप नॉर्मल बेसन डालिएगा। कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम हमारे पकौड़े तलने स्टार्ट करते हैं। अब पकौड़े आप अपने साइज़ के रख सकते हैं, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो। तेल हमने यहाँ पे गरम कर लिया है अच्छे से। अब हम 1 स्पून ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पकौड़े गरम तेल में डाल देंगे एक एक करके। पकौड़ों को हम अच्छे से पलट देंगे, तेल एकदम हॉट होना चाहिए। ठंडे तेल में अगर आप पकौड़े डालेंगे तो बेसन अंदर से कच्चा रह जाएगा। कढ़ी पकौड़े का मज़ा लेना है तो पूरा लीजिए। पकौड़ों का कलर
कुछ इस तरीके से आना चाहिए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन। अब इसी तरीके से हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे और इसी तरह हम ये बाकी बैटर के भी पकौड़े तल के इस तरीके से तैयार कर लेंगे। ये हमारे बाकी के पकौड़े यहाँ पे हमने तलने डाल दिए हैं। अब पकौड़े अंदर से कच्चे ना रहे, इसके लिए एक ट्रिक है। पहले आप इन्हें मीडियम फ्लेम पे, तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम मीडियम कर लीजिए, फिर बैटर को डाल के इन्हें टर्न कर दीजिए। कम से कम 1 से 2 मिनट तक फ्लेम आप मीडियम ही रखेंगे। जैसे ही ये हाफ कुक्ड हो जाएंगे, हम फ्लेम को तेज़ करके तेल को अच्छे से हीट कर देंगे और फिर इन्हें पकने देंगे, तो आपके पकौड़े अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे और एकदम कुरकुरे बनेंगे। आप देख सकेंगे, ये देखिए अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। जब तक हमारे पकौड़े यहाँ पे बन रहे हैं, आइए हम हमारी कढ़ी का तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए हमें चाहिए, अगेन विल पुट कोरिएंडर सीड्स, जीरा, राई, सूखी लाल मिर्च, और अगर आप हरी मिर्च प्रिफर करते हैं तो ये ऑप्शनल है। ये देखिए कढ़ी यहाँ बॉयल होनी स्टार्ट हो चुकी है। इसे हमें बीच बीच में स्टर करते रहना है, कुछ इस तरीके से। गैस मीडियम पे ही है। हमने इसमें हमारा बैटर जो है बेसन पानी दही वाला डालने के बाद इसे एक उबाली दी है अच्छे से। उसके बाद इसे हमने स्लो गैस पे मीडियम फ्लेम पे इसे रख दिया है। अब ये जैसी उबाली आती रहेगी, आपको इसे स्टर करते रहना है। कढ़ी आप देखिए ये कॉर्नर से हमने कितनी डाली थी और ये कैसे कम होते जा रही है, ये कड़ती जा रही है। यहाँ 25 से 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम हमारी गैस को बंद कर देंगे। और इसके तड़के की तैयारी करेंगे। पकौड़े बनके एकदम तैयार है, जिसे आप फिटर्स भी कहते हैं, अनियन फिटर्स हैं ये प्याज के पकौड़े। अब हम कढ़ी के तड़के की तैयारी करते हैं। अब पंजाबी कढ़ी बन रही है तो पंजाबी तड़का तो बनता है, इसलिए हम तेल का यूज़ नहीं करेंगे तड़के में। हम 2 बड़े स्पून इसमें डालेंगे घी, ये ऑप्शनल है। आपको घी नहीं खाना है तो आप डालिए इसमें ऑयल, डालिए जीरा और राई और कोरिएंडर सीड्स, ये तीनों हम डालेंगे 1-1 टीस्पून। हम हमारा जीरा कोरिएंडर सीड्स और राई को अच्छे से पका लेंगे। ये अच्छे से पक गए हैं, इनकी तरतर की आवाज़ शुरू हो गई है। अब हम हमारी सूखी लाल मिर्च डालेंगे, ग्रीन चिली जैसे हमने कहा था ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल के तुरंत इस तड़के को हम हमारी कढ़ी में डाल लेंगे। बस कढ़ी हमारी बनके तैयार है। इस तड़के को अच्छे से आप हिला लीजिए। और कढ़ी सर्व करने के, गरम गरम कढ़ी सर्व करने के 10 मिनट बाद हम इसमें पकौड़े डालेंगे, वरना पकौड़े जो है कढ़ी की सब ग्रेवी को सोक कर लेंगे और एकदम गाढ़ी कढ़ी हो जाएगी, तो आपको चावल के साथ खाने का मज़ा नहीं आएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है कढ़ी का। इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। हाँ जानते हैं आपके मुंह में पानी आ रहा है, बट होम डिलीवरी नहीं कर सकती मैं। आप इसे ट्राई करके कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपको ये पंजाबी स्टाइल कढ़ी कैसे लगी है, कढ़ी पकौड़ा? इन्जॉय इट, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।